तो दोस्तों, आज भारत के लिए रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है। और जो देश भारत को महंगे दामों के अंदर माल बेच रहे थे, उनका सारा घमंड आज हमारे दोस्त रशिया ने तोड़ दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि आजकल क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा तनातनी मची हुई है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और रशिया ने लौटकर पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध थोप दिए हैं, जिससे कच्चे तेल के जो प्राइस हैं वो काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले जो कच्चा तेल $80 पर बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, आज वही कच्चा तेल $90 पर बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। और ऐसे में जो तेल उत्पादक देश हैं, जैसे कि ओपेक कंट्रीज हुई, वो दबाकर डॉलर छाप रहे हैं, क्योंकि ये अपने कच्चे तेल को $87 से $90 पर बैरल के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच रहे हैं। परंतु तेल की कीमतें $10 पर बैरल बढ़ चुकी हैं, परंतु भारत के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा दोस्त रशिया हमारी सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि जनवरी 2023 के आज आंकड़े निकल के सामने आए हैं भारत और रूस के बीच में कच्चे तेल के व्यापार को लेकर, जिसमें भारत और रूस ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ यानी करीब 14,80,000 बैरल का कच्चा तेल प्रतिदिन के हिसाब से जनवरी महीने में उठाया है। हालांकि इसमें दो रिपोर्टें निकल के सामने आई है, जिसमें एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत ने प्रतिदिन 12,70,000 बैरल का कच्चा तेल रशिया से खरीदा, वहीं पर दूसरी रिपोर्ट यह कह रही है कि इसमें भारत ने करीब 14,80,000 बैरल का जो कच्चा तेल है वो रूस से उठाया है। और अब रूस का भारत के कुल कच्चे तेल आयात में जो हिस्सा है वो 25% से बढ़कर 28% हो चुका है। वहीं पर रशिया ने भारत को अपने कच्चे तेल में करीब $32 प्रति बैरल का डिस्काउंट भी दिया। और ओपेक देशों से जहां पर भारत को $87 पर बैरल यानी ₹44 लीटर के हिसाब से कच्चा तेल मिला है, तो वहीं रशिया से हमें जो सस्ता कच्चा तेल है वो $57 पर बैरल यानी ₹29.32 पर लीटर के हिसाब से रशिया से कच्चा तेल हमें मिला है। और इस प्रकार से रशिया ने भारत को करीब $30 से $32 पर बैरल का भारी भरकम डिस्काउंट दिया है। फिलहाल में आप सभी इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को इसी प्रकार से रशिया के साथ व्यापार करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।